जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुरु महादेव रियल एस्टेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे शानदार 3 BHK फ्लैट के बारे में जो द्वारका से काफी नजदीक है। अब हम लोगों ने दोस्तों यानी कि गुरु महादेव रियल एस्टेट पर आपको बहुत सारी इन्वेंट्री ऐसी मिलेगी जो मेन द्वारका से बिल्कुल नजदीक है, जिसमें आपको 2 BHK और 3 BHK के काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और वो ऑप्शंस भी दोस्तों काफी रीजनेबल कीमत पर हम आपको देने वाले हैं। और उसी लिस्ट में है दोस्तों आपका ये शानदार 3 BHK का फ्लैट जो कि 95 स्क्वायर यार्ड के स्लैब एरिया में है और काफी शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या खास बात है आपके इस शानदार 3 BHK फ्लैट में। इस फ्लैट को खास बनाता है आपका ये लिविंग स्पेस जो कि 12 फीट बाय और 14 फीट के साइज में आपको मिलता है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं आप देख सकते हैं काफी बड़ा सिटिंग एरिया आपको मिलता है दोस्तों। और इस सिटिंग एरिया में बहुत इजीली 10-12 पर्सन की सिटिंग आप यहां पर दे पाएंगे। बैक वॉल पर आपको डिजाइनर वर्क मिलेगा। सीलिंग का डिजाइन भी आप देख सकते हैं काफी डिफरेंट और यूनिक आपको मिलने वाला है। इस तरफ आपका जो टीवी पैनल है दोस्तों ये भी काफी यूनिक है और नीचे इसमें प्रॉपर स्टोरेज भी आपको मिलने वाली है। अगर बात करें टाइल्स की दोस्तों तो बेज कलर की टाइल्स हमने लिविंग स्पेस के अंदर इस्तेमाल की है। ये भी काफी अट्रैक्टिव है और काफी अच्छी गेटअप देती है आपके इस फ्लोर को। लिविंग स्पेस के अंदर अगर ओपननेस रहती है, उसका साइज काफी अच्छा रहता है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले गेस्टों को भी और आपको खुद को भी आपके घर में काफी ओपननेस फील होती है और आप काफी अच्छा महसूस करते हैं। तो ये है आपका लिविंग स्पेस। और लिविंग स्पेस के बारे में बात करेंगे आपकी शानदार मॉडुलर किचन के बारे में। इस फ्लैट में हम आपको देने वाले हैं ओपन किचन दोस्तों, जो कि काफी वाइड फ्रंट की है। एल टाइप की किचन आपको यहां पर मिलेगी, डबल मोल्डिंग के वर्क के साथ है। और स्टोरेज दोस्तों गुरु महादेव के हर फ्लैट के अंदर, हर किचन के अंदर काफी आपको मिलती है। तो नीचे और ऊपर दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं कि काफी स्टोरेज आपके लिए यहाँ पर दी गई है। इस तरफ आपका सिंक है जो कि हैंडमेड है सामने, और इस तरफ दोस्तों आपके जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं जिससे कि इलेक्ट्रिकल आइटम आप इजीली यूज कर सके। इस सेक्शन में भी दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ओपन रखा है जिससे कि छोटे छोटे जो मसाले हैं या फिर कुछ और हैं दोस्तों वो आप यहाँ पर इजीली रख पाए दोस्तों। और अपर सेक्शन पर भी आपको जो शटर्स लगाए गए हैं वो आप देख सकते हैं अंदर प्रॉपर माइका के साथ लगाए गए हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और यहाँ पर आपको लगभग 5 फीट की हाइट तक टाइल वर्क मिलता है। फ्रिज लगाने के लिए स्पेस आपको दोस्तों यहाँ पर मिलता है। और अगर बात करें लाइट वर्क की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि प्रॉपर लाइटिंग वर्क भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर आपकी चिमनी के लिए स्पेस दिया गया है। चिमनी अभी लगनी बाकी है लेकिन आपको एक अच्छी क्वालिटी की चिमनी हम लोग यहाँ पर लगा कर देंगे। तो ये है दोस्तों आपकी किचन जो कि फुल ऑफ स्टोरेज है और काफी अच्छी लुक एंड डिजाइन के साथ बनाई गई है। अब बात करेंगे दोस्तों आपके बेडरूम्स के बारे में। ये 3 BHK का फ्लैट है तो ऑब्वियसली 3 बेडरूम्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो पहला बेडरूम दोस्तों हमारा इस तरफ है। ये बेडरूम आप देख सकते हैं, अगर मैं साइज 10.5 फीट की इसकी चौड़ाई है और लंबाई की बात करूं तो लगभग 12 फीट की लंबाई के साथ ये शानदार बेडरूम आपको मिलता है। इस तरफ आपको शाफ्ट मिलती है जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलेगी। 6x6 का फुल साइज बेड लगाने के बाद भी आप देख सकते हैं कि तीनों तरफ आपको काफी स्पेस मिल जाता है। इस तरफ आपको आपकी वार्डरोब मिलती है, यहाँ पर आपकी बुकशेल्फ मिलती है और इस बुकशेल्फ में इसी तरह से अपने जो फ्लावर पॉट या फिर दोस्तों अपने फोटो फ्रेम्स रखकर इसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिटिंग्स दी गई हैं जिससे कि अपना टीवी आप इजिली लगा सकें, यानी कि दोस्तों साइज भी परफेक्ट है, आपको वार्डरोब भी मिल रही है, सीलिंग के डिजाइन भी हैं, वेंटिलेशन भी प्रॉपर है। तो ये आपका पहला बेडरूम है। पहले बेडरूम के बाद दोस्तों बताएंगे आपके बाकी के 2 बेडरूम्स के बारे में। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो मैक्सिमम पार्ट है और खास तौर से जो आपके बेडरूम्स हैं वो फ्रंट की तरफ रहें, जैसे कि प्रॉपर वेंटिलेशन भी रहे आपके दोनों बेडरूम्स के अंदर और दोनों बेडरूम में विंडो होने की वजह से पूरे घर में भी आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिले। तो चलिए बात करते हैं आपके सेकंड बेडरूम के बारे में दोस्तों। तो ये है आपका सेकंड बेडरूम। बेडरूम में भी आप देख सकते हैं कि बेड प्रॉपरली लगाया गया है। इस तरफ आपको वार्डरोब मिलती है और उसके साथ ही दोस्तों आपको ओपन शेल्फ भी यहाँ पर भी दी गई है। सीलिंग का डिजाइन यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा मिलता है। यहाँ पर आपको स्टडी टेबल मिलती है और इस तरफ दोस्तों आपकी विंडो आपको मिलती है। विंडो इसे लगाने का प्रोविजन भी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ से एंट्री है आपकी बालकनी के लिए। और अब बात करेंगे आपके थर्ड बेडरूम के बारे में। तो यहाँ है दोस्तों आपका थर्ड बेडरूम। ये लोकेशन काफी प्राइम है दोस्तों, क्योंकि द्वारका से बिल्कुल नजदीक है, सिर्फ 600 या 700 मीटर के डिस्टेंस पर है। और इसके अलावा दोस्तों
फ्रंट साइड का आपका फ्लैट है विद लिफ्ट है विद कार पार्किंग है, तो काफी सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं आपको इस फ्लैट के अंदर और उसके साथ साथ काफी रीजनेबल कीमत पर भी हम आपको इसको देने वाले हैं। कीमत की बात बाद में करेंगे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके थर्ड बेडरूम की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6x6 का बेड लगाने के बाद भी आपको काफी स्पेस मिलता है दोस्तों, तो काफी बड़ा आपका ये बेडरूम है। एक तरफ आपको काफी बड़ी वार्डरोब मिलती है, इस तरफ दोस्तों आपका ड्रेसिंग पार्ट रहने वाला है। और सीलिंग की अगर बात करें तो सीलिंग का डिजाइन भी आप देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट एंड यूनिक है। यहाँ पर आपको फिटिंग्स मिल जाती हैं जिसे अपना टीवी आप लगा सकते हैं, और यहाँ पर काफी बड़ी विंडो आपको मिलती है जिससे कि विंडो एसी लगाने का प्रोविजन भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपका अटैच वॉशरूम है क्योंकि ये आपका मास्टर बेडरूम है दोस्तों, तो वॉशरूम का जो साइज है ये भी काफी परफेक्ट आपको मिलता है। फिटिंग्स आपको अभी नहीं मिली है, फिटिंग्स लगा कर देंगे दोस्तों, और इसके अलावा प्रॉपर वेंटिलेटेड भी आपका ये वॉशरूम रहने वाला है। तो ये है दोस्तों आपका मास्टर बेडरूम और आपका थर्ड बेडरूम भी है ये। इसके बाद बात करेंगे आपके कॉमन वॉशरूम के बारे में। तो यहाँ पर आपका कॉमन वॉशरूम आपको मिल जाता है दोस्तों, और इस कॉमन वॉशरूम के अंदर हमने रूफ हाइट तक की डिजाइनर लुक की टाइल्स आपको दी हैं। एक और बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये बिल्डिंग प्रॉपरली स्ट्रक्चर बेस्ड बिल्डिंग है, यानी कि काफी हैवी मटेरियल के साथ ये बिल्डिंग बनाई गई है, तो मजबूती में कोई भी कॉम्प्रोमाइज यहां पर नहीं है। चलिए बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो यहां पर आपकी जो टॉयलेट सीट है वो आएगी दोस्तों, और यहां पर आपको प्रॉपर बेथिंग एरिया मिल जाएगा, और दोनों ही एरिया बिल्कुल सेपरेट रहेंगे। और यहाँ आपकी शाफ्ट है जो प्रॉपर वेंटिलेट करेगी आपके इस वॉशरूम को, और इसके एग्जॉस्ट जब आप ऑन करेंगे तो ये पूरे घर में वेंटिलेट करेगा दोस्तों, एयर प्रेशर को लेगा और बाहर फेंकेगा जिससे कि पूरे घर में एयर सर्कुलेशन बना रहेगा। तो ये है दोस्तों आपका शानदार 3BHK का फ्लैट। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, दिल्ली के अंदर द्वारका के बिल्कुल नजदीक है। और इसके अलावा दोस्तों इस प्रॉपर्टी के नजदीक आपको बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के स्कूल मिलते हैं, हॉस्पिटल जो इंटरनेशनल लेवल के हैं दोस्तों वो बिल्कुल नजदीक है, जिसमें एक हॉस्पिटल है आकाश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनकेस अगर आप गुड़गांव में काम करते हैं, आप द्वारका की तरफ काम करते हैं, आप वसंत कुंज धोला कुआं, या फिर दोस्तों अगर आप एयरपोर्ट की तरफ काम करते हैं तो भी आपके लिए ये लोकेशन काफी बेस्ट है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी प्रॉपर्टी काफी अच्छी है, और इसके अलावा जो मेन मेट्रो लाइन है वो यहाँ से लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है दोस्तों, जो कि बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच के साथ आपको मिलती है। तो ये काफी प्राइम लोकेशन का और शानदार फ्लैट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप विजिट के लिए आएंगे तो ये फ्लैट आपको और भी अच्छा लगने वाला है। इसी तरह के फ्लैट्स के लिए दोस्तों जुड़े रहिए गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। जय भोलेनाथ।